स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। आप सभी लोगों ने आई होप ये 62 का जो क्वेश्चन है मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसका आंसर चलिए बता देते हैं। आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर 62 का सी आंसर आपका राइट होगा। ये सारे आप फिलअप अपने आप से करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे आपने MTP कहा है। और उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि सारे वीडियोस आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन सा प्लेलिस्ट आपको वॉच करना है, तो इस वाले प्लेलिस्ट पर जाइए। BSc नर्सिंग के लिए बायोलॉजी के NCERT प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने शाम को 6 बजे रोज़ अपलोड एक वीडियो कर दिया जाता है ताकि आप उसको रोज़ प्रैक्टिस कर सको, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए साथ में चल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे आपने MTP कहा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो 63 अपना क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना फिलअप करना है। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट अपने चेकआउट कर लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड, उसको कहेंगे यहाँ पर फर्टिसाइड, ठीक है। देन सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगलाइज्ड MPT इन द ईयर, आपको कौन सा ईयर में, 1971 में। देन थर्ड, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड इज ऑल्सो, इसको कहते हैं क्या, रिदम मेथड, ठीक है। आपका जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है उसको यहाँ पर रिदम के नाम से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका फोर्थ आता है। फोर्थ में कुछ इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका मेथड है, विच मेल पार्टनर विड्रॉ हैज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर एजेकुलेशन, कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ये वाला राइट होने वाला है। तो यहाँ पर आपका मल्टीलोड 375 इज ए कॉपर रिलीजिंग एंड LNG20 इज हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस, देन आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। इनकरेक्ट आपको बताना है, तो ध्यान से स्टेटमेंट अपने चेक करेंगे। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। दीज हेल्प इन गेटिंग राइट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, बिल्कुल ये आपका सही है। MTP में क्या करते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रिमूव कर सकते हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही कर सकते हैं, वो सेफ है। उसके बाद आपका जो जोन आएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुंच जाते हैं, तो प्रेगनेंसी रिमूव करना उतना ही रिस्की होता है। तो ये आपका ट्रू है, तो इसके रिगार्डिंग जो आंसर है आपका ये नहीं होगा क्योंकि ट्रू है, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा है इनकरेक्ट। दीज हेल्प इन अबॉर्टिंग द प्रेगनेंसी विच मे बी हार्मफुल टू ईच मदर और फीटस और बोथ, बिल्कुल हो सकता है। जब देखिए अगर फीटस को रिमूव करेंगे, अनचाही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करेंगे, तो ये हार्मफुल हो सकता है मदर के लिए भी और फीटस के लिए। फीटस के लिए तो हो ही रहा है, क्यों, क्योंकि फीटस को तो बाहर ही निकाला जा रहा है, तो ये उसके लिए भी हार्म है और मदर के लिए भी हार्म हो सकता है। देन यहाँ पर ये इसको भी ट्रू रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका दीज कंट्रीब्यूट इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, बिल्कुल आपका राइट है। अगर इसी तरीके से जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटा दिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज भी होगी। अगर हर प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया जाए, हर प्रेगनेंसी को रख लिया जाए, तो पॉपुलेशन उसी हिसाब से ग्रोथ भी करने लगेगी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट की बात करते हैं, तो ये सारे तो ट्रू हैं, तो नॉन ऑफ दीज आपका आंसर राइट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पर आपको बताना है दो स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट होंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। अब जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसको आप सेफ जोन में रखते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी को रिमूव कराना चाहते हैं, अबॉर्ट कराना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं, ठीक है। देन ये तो आपका रहा ट्रू। उसके बाद जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल मदर ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स, अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए जनरली होता क्या है कि अगर 6 मंथ तक कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, तो इसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की हेल्प ली जाती है। तो इसमें क्या करना है, 21 डेज तक इसको आप ले सकते हैं, और इसको मेंस्ट्रुअल से 5 डे पहले लेना होता है, और आप 21 डेज तक इसको चला सकते हैं। फिर जब आप दोबारा से इसको ट्राई करेंगे या नेक्स्ट आप इसको सेकेंड मंथ के लिए ट्राई करेंगे, तो ये 7 दिन का गैप आपको रख के इसको दोबारा से स्टार्ट करना होता है। अगर आप मान लीजिए अगर कोई एक अनचाही प्रेगनेंसी बहुत ही इमरजेंसली आपको पता चल गई कि अब नहीं, अब इसको नहीं चाहिए, तो इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि 72 आवर्स में आपको लेना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ये भी आपका रहेगा यहाँ पर फॉल्स। तो चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट, इंट्रायूटराइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बिल्कुल सही है। कॉपर टी इसीलिए यूज़ करते हैं कि ताकि कोई अनचाही प्रेगनेंसी ना हो। तो दो स्टेटमेंट आपको चाहिए थे, एक ये वाला ट्रू मिल गया, एक ये वाला, तो आपके फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट होगा। देन इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका राइट रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 66,
रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड एम टी पी इज कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. बिल्कुल ये आपका सही है, जैसे अभी बताते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक रिमूव करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फीटस बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मेटरनल टिश्यू आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अब देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर चला गया, टिश्यूज आने लग गए हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर पहुंच गए हैं ना तो वो बहुत ही रिस्की हो जाता है. सेकेंड और थर्ड उसके बाद आप प्रेगनेंसी को रिमूव नहीं करवा सकते. तो दोनों ही क्या होंगे, स्टेटमेंट आपके राइट होंगे. तो ये आपका स्टेटमेंट दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 67 अपना स्टार्ट करते हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी कि STIs. ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की बात करते हैं. अपना फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 67 से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विद इट्स पैथोजेंस. ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका फर्स्ट, जिसमें आपका साइफिलिस और ट्रीफोनीमा फैलेडियम, जिसके ये आपका बैक्टीरिया नेम है, इसके थ्रू ये वाला डिसीज आपका होता है. तो ये बैक्टीरियल डिसीज है जिसे आपने यहाँ पर कहा ट्रीफोनीमा पैलिडम. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नेम है, इसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा कि साइफिलिस आपकी जो डिसीज़ है वो होती है. अब ये होती किस तरीके से, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो सकती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, और यहाँ पर मदर में अगर इस तरीके की डिसीज़ अगर पाई जाती है तो ये फीटस में भी जा सकती है प्रेगनेंसी के दौरान. ठीक है, और फर्स्ट स्टेज में अगर डिसीज़ है तो ये बहुत ही पेनलेस अल्सर हो सकता है. ठीक है, चांस हो सकते हैं कि जेनाइटल एरिया में स्वेलिंग आए, लिम्फ्स में आपके नोड्स में क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है. ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट ए. देन क्वेश्चन नंबर 68, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल जेनाइटल एंड मे डैमेज द आई ऑफ बेबी बॉर्न ऑफ इन्फेक्टेड मदर इज, किसके द्वारा हो सकता है, गोनोरिया के द्वारा हो सकता है. ठीक है, ये आपका डिसीज है गोनोरिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 69, क्वेश्चन नंबर 69 इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सिम्प्टोमाइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ चांस ऑन द जेनाइटल इज कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ, किसके थ्रू हो सकता है, यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के थ्रू हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस. अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स आपकी डिसीजेज के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर आपका स्टेटमेंट राइट होंगे. तो डिसीजेज जैसे कि बता दिया HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस. ठीक है, तो ट्राइकोमोनियासिस की बात भी करेंगे. सबसे पहले HIV को समझते हैं. तो ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो कि यहाँ पर एड्स को कॉज कराता है. एड्स जिसमें आपने कहते हैं, आपने अच्छे से सुना है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है. और हेपेटाइटिस बी क्या है, एक वायरल डिसीज़ है जो कि यहाँ पर कोई भी इसका यहाँ पर एडिकेटेड देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, यह हालांकि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी क्या है, ब्लड के थ्रू भी हो सकता है. और गोनोरिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है. और ट्राइकोमोनियासिस क्या है, एक प्रोटोजोआन डिसीज़ है. तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सी, HIV इज पैथोजेंस वेयर अदर द डिसीजेस. ठीक है, आंसर होगा सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, गिव ब्लो आर थ्री स्टेटमेंट ए टू सी ईच वन और टू ब्लैंक, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक इफ एनी टू स्टेटमेंट. आपको बताने हैं जिसमें आपका अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन फिलअप हो जाए करेक्टली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट से. तो सबसे पहले डिसीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड. अब देखिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो आपकी डिसीजेस होती हैं उन्हें जो फैल जाती हैं एक से दूसरे पर्सन में या ट्रांसमिट हो जाती हैं तो उन्हें यहाँ पर बेनेरियल कहा जाता है. ठीक है, बेनेरियल कहा जाएगा. जेनाइटल हर्प्स क्या होते हैं, इनक्यूरेबल होते हैं. तो ये आपका आंसर होगा ए. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर मैनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी. तो देखिए आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये होगा फॉल्स. क्यों? क्योंकि ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी में कोई भी ऐसा अभी तक साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है. देन नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टॉमी इज प्रिवेंट एग फॉर्मेशन. एग फॉर्मेशन नहीं होता है, एग का ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं या ट्रांसमिशन कह सकते हैं. ये आपका ट्यूबेक्टॉमी सिर्फ एग ट्रांसमिशन को रोकता है, ठीक है, फॉर्मेशन को नहीं रोकता है. तो ये भी आपका फॉल्स होगा. देन नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. बिल्कुल ये आपका राइट होगा. ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स इसको कहा जाता है, जो कि ओव्यूलेशन के दौरान पे आप इसको क्या करते हैं, लेते हैं. तो यहाँ कोई भी आपका ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, बहुत ही लिटिल और मिनिमम क्वांटिटी में आप कह सकते हो कि इसका साइड इफेक्ट होता है ओरल पिल्स का. बट इसको सेफली अगर यूज़ करें तो कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या होता है, इससे कंट्रोल होता है आपका ओव्यूलेशन और आपका यहाँ पर जैसे कि प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है. तो ये आपका रहेगा ट्रू. देन उसके बाद, जेनाइटल वर्थ इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज बाय द हार्ट वायरस. ये आपका होगा रॉन्ग, ठीक है. तो इसको फॉल्स कर देंगे.
किया तो जेनाइटल वार्ट्स जो है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो है, ये तो आप मान गए, ठीक है, लेकिन ये किसके थ्रू होता है? हार्प वायरस के थ्रू नहीं होता है, ये एचपीवी वायरस के थ्रू होता है, जिसे आपने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा है, ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स रहा। देन उसके बाद इन इंडिया देर इज रैपिड डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ एमएमआर, तो ये आपका क्या रहेगा? ये रहेगा ट्रू, तो ये आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। आपको दो कॉलम दे रखे हैं, इसमें इस तरीके से आपको फिलअप कर लेना है, तो कौन सा किसके साथ मैच होगा? तो फर्स्ट की बात करें तो इसको यहाँ पर आप मैच करेंगे, देन सेकेंड आपकी बात करते हैं तो इसको आप सेकेंड से ही मैच करेंगे, एड्स की बात करते हैं तो आप किससे यहाँ पर बात करेंगे? यहाँ पर एड्स आपका जाएगा यहाँ पर एचआईवी से, देन उसके बाद जेनाइटल वार्ड की बात करते हैं तो ये जाएगा आपका यहाँ, ठीक है, तो यानी कि आंसर होगा ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको देखिए फ्रेंड्स खुद से याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये आपका डिसीज़ है, किसके थ्रू हो रहा है? ये वायरसेस के आपके नाम है, तो इसके वायरस के थ्रू आपका नाम हो रहा है, ये डिसीज़ के नेम है, ये वायरस के नेम है, ठीक है, तो ये आपको खुद ही याद करना पड़ेगा कौन सी डिसीज़ किसके थ्रू हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव बिलो ए लिस्ट ऑफ ए फ्यू ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, आइडेंटिफाई द डिसीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया अमंग दीज। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं अपने गोनोरिया की, ठीक है, गार्डियासिस, ये आपके क्या गार्डियासिस और आपका ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ये दो जो होती हैं डिसीजेस ये होती हैं प्रोटोजोआन के थ्रू, ठीक है, तो ये प्रोटोजोआन डिसीजेस हो गई बची आपकी ये, ठीक है, साइफिलिस, उसके बाद यहाँ पर कैनक्रोइड और यहाँ पर गोनोरिया, तो ये आंसर होगा आपका गोनोरिया, कैनक्रोइड और साइफिलिस, ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 75, क्वेश्चन नंबर 75, इट इज़ अ डिसीज विच मेनली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनो जेनाइटल ट्रैक इन मेल, ठीक है, बर्निंग फीलिंग और पैसिंग यूरिन, येलो डिस्चार्ज अकम्पेनिंग बाय फीवर हेडक, हेडक हो गया एंड यहाँ पर फीलिंग लाइक इलनेस ऑकर इट्स नेम, यहाँ पर नेम कौन सा रहेगा वो आपको बता देना है, ये आपके सिम्टम्स दे रखे हैं, तो सिम्टम के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका होगा वो कौन सा रहेगा? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स रहेगा गोनोरिया। अब गोनोरिया क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, जो भी बैक्टीरियम के थ्रू होता है, जिसे आपने नेसीरिया गोनोरिया के नाम से जाना था, ठीक है, तो ये होता क्या है, एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से डिसीज़ को ये इधर से उधर यानी कि ट्रांसमिट हो सकती है, और ये क्या होता है, गोनोरिया जो होगा मेल और फीमेल दोनों को ही अफेक्ट करती है, इसमें ये जेनाइटल ट्यूब में आपके बैक्टीरियम रहते हैं और प्रोड्यूस करते रहते हैं लगातार एक डिस्चार्ज को, जो कि पेनफुल हो सकता है, और यहाँ पर जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पर आपका बर्निंग महसूस हो सकता है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और जो बेबी है अगर वॉर्म में है तो उसकी आइज़ को इफेक्ट करेगा, मदर में अगर इन्फेक्शन है तो बेबी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपका जो है गोनोरिया डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज बैक्टीरियल ओनली। तो बैक्टीरिया के थ्रू यहाँ पर साइफिलिस, गोनोरिया और यहाँ पर कैनक्रोइड आपका हो सकता है, तो ये क्या है आपके बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, जो कि एसटीआई बोल सकते हैं, जैसे क्लाइमेडिसिस हो गया जो कि यहाँ पर क्लाइमीडिया के थ्रू हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या है आपके एक बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, इसको आप कह सकते हो, तो आंसर रहेगा आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 77, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट एसटीआईएस इज। अब देखिए कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है जो कि एसटीआईएस को क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कुछ स्पेसिफिक स्टेनिंग का, डिटेक्शन होता है आपके स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी का, तो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट यूज़ करते हैं, जिसे आपने यहाँ पर ELSI कहा, उसके बाद DNA हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा राइट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, द कॉमन मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अब एड्स होता क्या है, देखिए आपको ये वायरल डिसीज़ है जो कि यहाँ पर HIV के थ्रू हो सकती है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जिसे आपने कहा, तो मेनली से कह सकते हैं ये एक ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है, तो ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू होगी, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन के भी थ्रू हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, तो आंसर आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ही रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80, विच ऑफ द फॉलोइंग STIs इज आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मान लीजिए यहाँ पर जो पूछा है आपका STIs जो है नॉन कम्प्लीटली क्योरेबल की बात कर रहे हैं, तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर एड्स, जेनेटिकल हार्प्स और हेपेटाइटिस बी, ठीक है, तो ये क्या होंगे, STIs में आपके नहीं होंगे, ठीक है, तो एड्स रहेगा, जेनेटिकल हार्प्स रहेगा और आपका हेपेटाइटिस बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 81, टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ STIs वी शुड, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड कर सकते हैं, ऑलवेज हैव
अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो इससे क्या होगा कि आप डिसीज से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए कि आपको कोई भी मल्टीपल पार्टनर के साथ में संबंध रखना है। उसके बाद में यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, बिल्कुल सही है, आप अगर चाहते हैं इस डिसीज से बचना तो आप प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए। उसके बाद अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, बिल्कुल आपको सही रहेगा, किसी भी ऐरे गैरे से जा कर के कहीं भी कुछ भी ऐसा वैसा ना करें जो इधर उधर से कोई भी डिसीज़ लगे, तो ये भी आपको बचना चाहिए इससे भी, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, तो नीडल से भी बहुत ही सेफ तरीके से आपको, अगर कहीं भी इंजेक्शन आप करवाने जाते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो सबसे पहले तो चेक करें कि जो नीडल है वो फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, किसी का यूज्ड नहीं आपको लगवाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको करनी है अगर इस तरीके की ट्रांसमिटेड डिसीज से आप बचना चाहते हैं तब। तो चलिए, आपका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए रहने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपका स्टेटमेंट है यूज कॉन्डम इज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट एड एंड सेक्सुअल डिसीजेज बिसाइड चेकिंग प्रेगनेंसी। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि मान लीजिए कॉन्डम यूज़ करते हैं तो किस लिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपको सेफ्टी चाहिए तो कॉन्डम यूज़ करें, कोई भी सेक्सुअल डिसीज ना हो जैसे एड्स हो गया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई प्रेगनेंसी भी ना हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट होगा राइट। देन दूसरा, सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ द अंडर आर्म टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, ये भी आपका रहेगा ट्रू। जैसे कि हमने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या होंगे आपके, होंगे करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे। अब आपको वर्ल्ड एड्स डे बताना है कब मनाया जाता है, तो दिसंबर 1 को ही मनाया जाता है आपका वर्ल्ड एड्स डे। देन नेक्स्ट 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा, टीयर, ठीक है, इंटरवेयस ड्रग अब्यूज, टोनिंग ईयर एंड नोज, ठीक है, तो इन सब के थ्रू ये हो सकता है, तो ये आपका ट्रू है। हेपेटाइटिस बी इज वैक्सीन इज द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन प्रोड्यूस द ट्रांसजेनिक ईस्ट बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA टेक्नोलॉजी, ट्रू है। हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन इज द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल ह्यूमन वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल आपका ये सभी आपके जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 85, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV इज नेवर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो आपका बताया गया है हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो यहाँ पर ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता है आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है, और आपके इन्फेक्टेड पर्सन से, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, ब्लड के थ्रू भी हो जाता है, सलाइवा से भी हो जाता है, जैसे कि अभी थोड़ा सा अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। तो ये आपका क्या है, ये रॉन्ग है, आपको बताना है करेक्ट। तो ये तो हो गया रॉन्ग, देखिए दूसरा देखते हैं। सेकेंड, HBV वैक्सीन इज थर्ड जनरेशन वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA। अब देखिए हेपेटाइटिस बी की जो क्या है, यहाँ पर कॉमर्शियल वैक्सीन की बात करते हैं, तो ये जो है सेकेंड वैक्सीन है, ठीक है, थर्ड नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका ये भी रॉन्ग। तो कौन सा होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ये लिए इतना ही, इनफर्टिलिटी से नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, तो इनफर्टिलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। तो इनफर्टिलिटी नेक्स्ट अपना वीडियो बहुत ही जल्द शाम 6 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर किया करें।